بسم الله الرحمن الرحيم. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मुतीउर रहमान साहब ने रियाद से सवाल पूछा है और सवाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश की है जो सही मुस्लिम की है और उन्होंने हदीस नंबर लिखा है 443 कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी से हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने अपने रब को देखा, तो जवाबन हुजूर ने इरशाद फरमाया वो नूर है, मैं उसे कहाँ से देखूँ। तो ये पूछते हैं कि ये नूर से क्या मुराद है। ये नूर से मुराद रब ताला ही का नूर है और वो जिसका जिक्र कुरान में हुआ अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ कि जिसके नूर ने ज़मीन व आसमान को घेरे रखा है और जिसकी मिसाल भी कुरान ने दी है। तो अब यहाँ पे ये हदीस जो पेश की गई है, गैर मुकल्लदीन इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार बारी ताला के मुतालिक पेश करते हैं कि आपने अल्लाह ताला का दीदार नहीं फरमाया। हालांकि अल्लाह ताला के देखने के हवाले से सहाबा के दो गिरोह हैं। एक का कहना है कि माथे की आँखों से नहीं देखा, दिल की आँखों से देखा। दूसरा गिरोह वो है जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसे अजीम मुफस्सिर और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी और भी बहुत सारे सहाबा और ताबईन में हज़रत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला, इन सब का कहना यह है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने माथे की आँखों से और दिल की आँखों से भी देखा। और जो हज़रत आयशा की हदीस है कि रब को नहीं देखा, ये हज़रत अबू ज़र की हदीस है कि हुज़ूर ने फरमाया मैं उसे कैसे देखूँ, वो तो नूर है। तो शारहीन का कहना यह है कि यह अहादीस वाकई मेराज से पहले की है, ये वाकई मेराज के बाद की नहीं है। जैसे इसमें नूरानी क्यों नारा मैं उसे कैसे देखूं, वो नूर है। और एक हदीस ये भी है इन्नी आरा उसे मैंने देखा, यह हदीस भी है। और फिर क़ुरान करीम की आयत माँ का दबल फुआद मार आह कि दिल ने ना झुटलाया उसे जो आँखों ने देखा, यानी जो मुस्तफ़ा करीम की आँखों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की आँखों ने जो रब ताला का दीदार फरमाया तो दिल उसकी तस्दीक कर रहा था कि हाँ आँखों ने वही देखा, यानी रब ही का दीदार फरमाया है। तो बहरहाल कुरान करीम की इस आयत में रब ताला के दीदार का इशारा है और बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें वाकई मेराज में हुजूर का रब ताला के नूर को मुलाहजा फरमाना साबित है। और बाज़ लोगों ने जो कहा कि आपने हज़रत जिब्रील को देखा, यानी वो अपनी असल शक्ल में ज़ाहिर हो गए और हुज़ूर ने उनको देखा, रब ताला को नहीं देखा, तो उसके तरदीद में भी सहाबा के अक़वाल है। तो बहरहाल ये या इस किस्म की जितनी अहादीस आती हैं जिसमें नफ़ी है वो वाकई मेराज के पहले की है, वाकई मेराज के बाद सहाबा किराम के ये अक़वाल मौजूद हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने माथे की आँखों से और दिल की आँखों से भी रब ताला का दीदार फरमाया है।